हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे। बहुत बढ़िया। गणित की पिछली कक्षाओं में हमने सीखा था आयतन और धारिता से संबंधित सवालों को देखा था और उनके सूत्र कैसे बने हैं उसको भी सीखा था। आज की कक्षा में हम सीखने जा रहे हैं कि उससे संबंधित कुछ सवाल हैं, उन सवालों को कैसे हल करते हैं। मैं और आप मिलकर दोनों लोग इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या है। आ जाओ बेटा, रीड करिए इसको। एक संदूक की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर एवं ऊंचाई 8 मीटर है, तो उस संदूक का आयतन क्या होगा? ठीक है, इसको एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, गौर से सभी बच्चे इसको देखेंगे। देखिए पहला क्या है, एक संदूक। संदूक जानते हैं ना, आप सबके घरों में बक्सा होगा, उसी को संदूक कहते हैं। उस आकृति को क्या कहते हैं? संदूक। और उस आकृति की लंबाई क्या है? 24 मीटर है। और चौड़ाई 12 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। तो उस संदूक का आयतन क्या होगा? इसका मतलब क्या है? ये भी एक संदूक क्या है? एक घनाभ जैसा है। घनाभ क्या होता है? जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और उसमें ऊंचाई भी होती है। तो ऐसे आकृति का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इसका एक चित्र बना लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे चित्र बनेगा। देखिए इसके लिए पहले तो हमारे पास ऐसे बना लीजिए, और इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे, और इसका नाम रख लीजिए ए बी सी डी ई और एफ जी और एच। ए हमारा क्या बन गया बेटा? संदूक। संदूक क्या बन गया? संदूक। ठीक है ना। और संदूक कैसा है? घनाभ है। क्या बन गया है? घनाभ की आकृति का ये संदूक बन गया। अब इसमें अब हम इसको ले लेते हैं, इस वाले साइड में इस वाले भुजा क्या ले लेते हैं, मान लिया है लंबाई। ऊपर की तरफ हमने क्या ले लिया इसमें? चौड़ाई। चौड़ाई। और नीचे की तरफ ये हो जाएगा ये हमारा ऊंचाई। ये क्या बता रहा है? ऊंचाई। तीन बातें हो गई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब इसमें क्या सवाल नंबर एक में क्या दिया गया है? संदूक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है ना, ये तीनों दिए गए हैं। और उसके बाद आपको क्या निकालना है? संदूक का आयतन। ओके, आओ आप में से आ जा रहा हूँ, इसको हमें हल करके दिखो। लंबाई लिखो, चौड़ाई लिखो, ऊंचाई लिखो, उसके बाद इसको सूत्र में लगा के हल करके निकाल। आ जाओ, कम चले करके कर दीजिए, स्वागत है इनका। 24 मीटर भी लिखी है, साथ में मीटर भी लिखे हैं यहाँ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उसके बाद 12 मीटर हो गया और ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। अब इधर आ जाओ, देखो मैं समझाता हूँ। उसमें जो आपने 24 मीटर लिखा तो लंबाई हमारी कहाँ से कहाँ तक है? इस एफ से लेके ई तक की, ये कितनी है? 24 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गया 24 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर, यानी कि ई जो है आपका 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 12 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? एफ से लेके बी तक की जो है 8 मीटर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हो गया ये हो गई ऊंचाई। अब तीनों मिल गए, आइए इसका आयतन ज्ञात करें। चलो
शिक्षक खड़े हो किस तरीके से लिखना भी चाहिए सभी को। जल्दी जल्दी करो। अरे इसकी कैलकुलेशन भी तो करो, यहाँ पर तुमने कैलकुलेशन तो की नहीं, फिर से इसको साफ करो। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करो। देखो उधर जाओ, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले बड़ी संख्या हम इन तीनों में देखते हैं कौन सी हमें टेबल आती है। 12 अट्ठे 24 कितना होता है 12 अट्ठे 96 करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत जैसे बता पाए 12 अट्ठे 96। और इधर हमारा क्या चल रहा था, 24 मीटर था, ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था। क्या आ जाएगा, मीटर की घात 3। आप क्या करना है, 24 और 96 को गुणा करनी है, तो यहाँ लिखिए 96 24। आओ मल्टीप्लाई करके दिखाओ मुझे। कितना आया, 2304। बहुत बढ़िया, चलो उधर जाओ। तो ये आ गया आपका 2304 मीटर क्यूब। इसका मतलब है कितना आया, 2304 मीटर क्यूब। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि एक संदूक था जिसकी लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर हो, तो ऐसे संदूक का आयतन कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं की यानी कि संदूक की लंबाई गुणे संदूक की चौड़ाई गुणे संदूक की ऊंचाई, तीनों की गुणा करेंगे और तीनों को हल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि दादा ने इसको सॉल्व किया और उत्तर कितना आया, 2304 मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। और इसके बाद सॉल्व करेंगे हम सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 हमारा क्या है,